मैं डॉक्टर रेखा रानी, प्रवक्ता शल्य तंत्र, राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय लखनऊ में कार्यरत हूँ। आज मैं यहाँ आप सबके बीच आयुष संवाद मंच पर अपने कुछ विचार व्यक्त करूँगी, जिसके लिए मैं सर्वप्रथम माननीय मंत्री महोदय डॉक्टर धर्म सिंह सैनी जी का, प्रमुख सचिव श्री प्रशांत त्रिवेदी जी का, विशेष सचिव एवं आयुष मिशन निदेशक डॉक्टर राजकमल यादव जी का, मिशन निदेशक आयुर्वेद निदेशक डॉक्टर एस एन सिंह सर जी का, हमारे प्राचार्य डॉक्टर पी सी सक्सेना सर जी का हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने इस मंच पर मुझे अपने विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया। आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने वाली हूँ वो जनमानस की बहुत ही कॉमन समस्या है, जिसे हम कह सकते हैं पाचन संबंधी विकार या कॉन्स्टिपेशन या विबंध। विबंध एक ऐसी समस्या है जिस जो हमारे जैसे आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में जब पेशेंट आता है तो कहता है कि डॉक्टर साहब हमारा पेट ठीक नहीं रहता है। तो जब पेट ठीक नहीं रहता तो उसको मोशन में भी प्रॉब्लम बनी रहती है। तो इसलिए ये आज के समय में बहुत ही सिंपल है, आम समस्या है लेकिन जटिल है। तो इसमें हम कैसे समझेंगे कि किसी को कॉन्स्टिपेशन है? तो कॉन्स्टिपेशन को समझने के लिए जैसे किसी का अगर बाउल मूवमेंट मान लीजिए हफ्ते में 3 बार से कम है, 3 टाइम्स से कम है, तो वो पेशेंट ऐसा समझे अपने आप को कि वो कॉन्स्टिपेटेड है। तो इनमें क्या क्या परेशानी हो सकती है? परेशानी में मरीज कहता है कि हमें डिज़ायर ही नहीं फील होती, हफ्ते में जो 2 बार 3 बार से ज़्यादा डिज़ायर नहीं फील होती, उसको स्ट्रेन करना पड़ता है, पेशेंट को बहुत हार्ड मोशन पास होता है जिससे उसको मोशन में भी प्रॉब्लम होती है, पेन रहता है, पेशेंट को फीलिंग ऑफ इनसफिशियंट इवैक्यूएशन, मतलब पेशेंट को ऐसा लगता है कि उसका पेट बिल्कुल साफ नहीं हो रहा है, ठीक से साफ नहीं हो रहा है, ये सब बहुत सारी प्रॉब्लम्स उसको बनी रहती है। तो ऐसे पेशेंट्स में क्या होता है कि एनीमा हो, चाहे सपोजिटोरी हो या आपका ओरल लग्जेटिव हो, इनके बगैर भी उसका मोशन सॉफ्ट नहीं होता। तो हमारे आयुर्वेद में ओरल लग्जेटिव के बहुत सारे विकल्प मौजूद हैं, जैसे कि त्रिफलाचूर्ण है या बहुत सारी चीज़ें, लेकिन इनका सेवन हमारे परामर्श दाताओं के पश्चात ही करना चाहिए। पेशेंट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पेशेंट मतलब चाहे तो उसको सेफली यूज़ कर सकता है, जैसे कि दूध में मुनक्का, दूध में 8-10 मुनक्के डाल के आप उगा के पी सकते हैं, इसमें कोई इसका साइड इफेक्ट्स नहीं है। या त्रिफलाचूर्ण का सेवन कर सकते हैं, यह भी काफ़ी हद तक सुरक्षित माना जाता है, लेकिन सुरक्षित तब तक जब तक एक शॉर्ट पीरियड तक, मीन्स आप लगातार त्रिफला 6 महीने 8 महीने 10 महीने लगातार न खाएँ, आप शॉर्ट टर्म के लिए 10 दिन 15 दिन 20 दिन के लिए खाएं तो वो चलेगा। अब जो हमारा विबंध या कॉन्स्टिपेशन है इसके कारण क्या है? इसके कई कारण हैं जिनमें 4 प्रमुख हैं, जैसे डाइट्री और लाइफस्टाइल हैबिट्स, सर्टेन ड्रग्स, कुछ डिजीजें, बिहेवियरल इशू और इडियोपैथिक। तो डाइट्री और लाइफस्टाइल हैबिट्स मतलब हमारा खान पान कैसा है, हमारा रहन सहन कैसा है। आयुर्वेद में इस पर बहुत ही विशद वर्णन है कि हमारा आहार विहार कैसा होना चाहिए, सम्यक होना चाहिए, ऋतु के अनुसार होना चाहिए, और हमें कैसा खाना है, कैसे दैनिक दिनचर्या को व्यतीत करना है। अगर हम ऐसी चीज़ें खाते हैं, ऐसा भोजन करते हैं, ऐसा आहार करते हैं जिससे हमारी अग्नि मंद हो जाती है, विषम हो जाती है, तो अगर अग्नि मंद या विषम होती है तो जाहिर सी बात है हमारा भोजन ठीक से नहीं पचेगा, और उसके बाद पाचन संबंधी अनेक विकार जैसे कब्ज है जो कि सबसे प्रमुख है वो उत्पन्न होने लगता है। अब चूंकि आज के समय में समय अभाव है, बाहरी खान पान के प्रति बढ़ती लुप्तता है, तो इस कारण से लोगों का जंक फूड के प्रति अट्रैक्शन बढ़ा है। जंक फूड या वेस्टर्न डाइट हमारी सेहत के बहुत नुकसानदेह हैं। वेस्टर्न डाइट में बहुत ज़्यादा मात्रा में रिफाइंड शुगर, सॉल्ट और सैचुरेटेड फैट का प्रयोग होता है, जिससे कि कैंसर, एलर्जी और ऑटोइम्यून डिजीज का खतरा बढ़ जाता है। अब चूंकि इनका खतरा तो बढ़ता ही है, लेकिन और इसमें रफेज की मात्रा भी बहुत कम या ना के बराबर होती है, क्योंकि रफेज नहीं है तो फिर आहार पाचन संबंधी समस्याएं भी उत्पन्न होने लगती हैं और पेशेंट कॉन्स्टिपेटेड होने लगता है। तो हमें क्या करना है? हमें शुद्ध और सात्विक भोजन करना है जो कि लघु भी हो और पौष्टिक भी हो। इसके लिए शुरुआत हमें सुबह से करनी चाहिए, सुबह हमें जल्दी उठने की आदत डालनी चाहिए, कोशिश करें कि 7 बजे से पहले बिस्तर को छोड़ दें, सुबह उठते ही 1 ग्लास गुनगुने पानी का सेवन करें। किसी पेशेंट को, बहुत सारे मरीज ऐसे होते हैं जिनको बेड टी लेने की आदत होती है, अगर ऐसी आदत है तो कृपा करके उसको छोड़ें,
क्योंकि ये हमारी सेहत के लिए अच्छी बात नहीं है। कॉल ऑफ नेचर को अवॉइड या डिले ना करें। सुबह का ब्रेकफास्ट नाश्ता हेल्दी हो, पौष्टिक हो, लघु हो, सुपाच्य हो, तो उसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप गेहूँ की दलिया खाएं। गेहूँ की दलिया एक अच्छा नाश्ता तो है ही, लेकिन जब हम पेशेंट हमारे पास आता है तो हम उससे पूछते हैं कि हिस्ट्री लेते हैं। हिस्ट्री लेने का पर्पज ये है कि हम जानते हैं कि पेशेंट हाइपरटेंसिव है या डायबिटिक है। ऐसा क्यों पूछते हैं? क्योंकि अगर पेशेंट डायबिटिक है तो आप उसे मना करेंगे कि अब तुम मीठी दलिया नहीं खाओ, तो उस ऐसे पेशेंट को नमकीन दलिया खानी चाहिए। तो नमकीन दलिया खाने में अगर आप उसमें लौकी डालते हैं तो ये बहुत अच्छा हो जाता है। दूसरा, अगर पेशेंट हाइपरटेंसिव है, मतलब उसका ब्लड प्रेशर बढ़ा रह रहा है, तो आप उसे नमकीन दलिया खाने के लिए मना करें। आप उससे कहें कि आप दूध की दलिया खाएं, उसमें चाहें तो आप किशमिश डाल सकते हैं, मुनक्का डाल सकते हैं। इससे आपका पोष्ट या मतलब डाइजेशन भी प्रॉपर होगा और कॉन्स्टिपेशन की समस्या में काफ़ी हद तक रिलीफ मिलेगा। खाने के साथ साथ में पानी की भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब गर्मियों में हमें प्यास लगती है तो हम पानी पीते हैं। पानी से क्या होता है कि अगर पानी हमारा डाइजेशन भी इम्पोर्टेंट रोल है, पानी कमी होगी तो डिहाइड्रेट होंगे, डिहाइड्रेट होंगे तो आहार को पचने में कठिनाई होगी। तो हमें पानी को नेग्लेक्ट नहीं करना है। पानी को अगर हम गर्मी में 10 से 12 ग्लास कम से कम पीते हैं, तो सर्दियों में पहले हमारी स्वेटिंग कम है, बहुत कम है, तो भी हमें कम से कम 6 से 8 ग्लास पानी का सेवन प्रतिदिन करना चाहिए। दोपहर का भोजन, मध्याह्न का भोजन या लंच, वो भी पौष्टिक हो, संतुलित हो, कोशिश करें कि समय पर लें। उसमें आप छिलके वाली दालें, जैसे उसमें छिलके वाली मूंग की दाल सबसे बेस्ट है, चपाती लें, छाछ लें, मौसमी सब्जियां लें, सलाद लें, क्या ना लें, इम्पॉर्टेंट है क्या ना लें। तो आप अगर कॉन्स्टिपेटेड हैं, आपको पेट की समस्या हो रही है, तो आप उसमें उड़द है, राजमा है, बैगन, दही, मिर्च, मसाला, इन चीज़ों से परहेज करें, विशेष रूप से इनका सेवन से बचें। फिर अगर आपको शाम तक भी कोशिश करें कि अगर बहुत से लोग चाय ज़्यादा पीते हैं तो चाय का सेवन भी कम करें, इससे भी कॉन्स्टिपेशन समस्या बढ़ती रहती है। दूध में मुनक्का डालकर सेवन भी करें। रात का खाना भी सुपाच्य लें, समय पर लें, हल्का लें, हल्का लें इन द सेंस कि आपको उसमें जो है लौकी है, परवल है, तुरई है, हल्की सब्जियां लें जो पचने में अच्छी हों, जल्दी पच जाए, सुपाच्य हों। रात में कभी भी छाछ या दही का सेवन ना करें। और खाने को, रात का खाना सोने से कम 1.5 घंटे पहले लें। ऐसा ना हो कि आपके खाते ही तुरंत सोने की आदत हो, तो उससे बचें। बहुत सारी चीज़ें अगर हम छोटी मोटी खान पान के आदतों में बदलाव कर दें तो इससे हम बच सकते हैं। अब दूसरा कारण है हमारा कि सर्टेन ड्रग्स और सर्टेन डिजीजेज हैं। कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो पेशेंट को कॉन्स्टिपेटेड करती हैं, जैसे कि NSAID, उसमें एस्प्रिन है, आइबुप्रोफेन है, डिक्लोफेनाक है, आपका ओपॉइड एनाल्जेसिक जैसे कोडीन, आयरन प्रिपरेशन, एल्मोनियम कंटेनिंग एंटासिड्स, एंटीकोलानर्जिक ड्रग्स। अगर बहुत सारे पेशेंट जो ये ड्रग्स ले रहे हैं और उनको कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो रही है, तो वो इन ड्रग्स को लेने से बचें, डॉक्टर की सलाह से इनको बंद करें। और इसके पश्चात तो पेशेंट की जो ये कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, स्वतः जो है ऑटोमेटिक ही रिलीफ हो जाएगी। कुछ डिजीजेज ऐसी हैं जिनसे कॉन्स्टिपेशन होता है, जैसे कि पैरालिसिस, हाइपोथायरॉयडिज्म, कोलोनिक कैंसर, तो इन डिजीज़ में भी जो है पेशेंट्स को कॉन्स्टिपेशन की समस्या बनी रहती है। तो इसमें सबसे पहले कॉन्स्टिपेशन पर फोकस न करके इन डिजीज़ का उसके अनुसार आप ट्रीटमेंट करें। तीसरा कारण है हमारा बिहेवियरल इशू। बिहेवियरल इशू जनरली बड़े लोगों में नहीं दिखता, ये बच्चों में ज़्यादा दिखता है। बच्चों में चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा होता है, एग्रेसिवनेस होती है, आक्रामक व्यवहार होता है, उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, विदहोल्डिंग कैपेसिटी होती, मीन्स बच्चा जो है अपने यूरिन और स्टूल को होल्ड करने लग जाता है। तो ऐसे बच्चे में कॉन्स्टिपेशन समस्या नॉर्मली पाई ही जाती है। तो हमें ये नहीं करना है कि हमें उसको कॉन्स्टिपेशन पे फोकस करना, हमें पहले उसके इस बिहेवियरल इशू को, जो एबनॉर्मल बिहेवियर पैटर्न है, इसको ठीक करना है। इस पर अगर हम इसको ध्यान देते हैं तो कॉन्स्टिपेशन अपने आप ही उसका रिलीफ हो जाएगा। चौथा कारण इडियोपैथिक है। इडियोपैथिक का मतलब जिसका कोई कॉज ही नोन ना हो। तो इसमें IBS यानी इरिटेबल बावल सिंड्रोम और क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन, ये इडियोपैथिक में ही आते हैं। अब अगर पेशेंट लगातार कॉन्स्टिपेटेड रह रहा है,
वो इस पर ध्यान नहीं दे रहा है या स्टूल प्रास करने की जो इसकी प्रॉब्लम्स है वो बनी रह रही है, तो इन समस्याओं से आगे क्या होता है, फिशर भी हो सकता है, पाइल्स भी हो सकता है। फिशर यानी कि परिकर्तिका, और पाइल्स जिसे हिमराइड्स कहते हैं, आम भाषा में बवासीर कहते हैं, तो ये समस्याएं उत्पन्न होती हैं। बहुत ज़्यादा हार्ड स्टूल होने से आपके इनर रीजन की मुकोसा वहाँ पर एक अक्सर बन जाता है, जो कि फिशर इंजनों का धीरे धीरे फॉर्म में आ जाता है। तो ऐसे पेशेंट को पेन होगा, बर्निंग होगी सेंसेशन, स्लाइट ब्लीडिंग होगी और कॉन्स्टिपेशन एजिटिंग रहेगा। अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा स्ट्रेन करना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा वो टॉयलेट में टाइम पास कर रहा है, तो उसको हेमराइड्स यानी पाइल्स की समस्या होने लगती है। उसमें आपको कभी कभी पेनलेस ब्लीडिंग होती है, बहुत ज़्यादा ह्यूज ब्लीडिंग होती है, तो उसमें आपको ट्रैनिस्मिक एसिड या हमारे आयुर्वेद में रक्त स्तंभक आते हैं उनका प्रयोग करना पड़ता है। तो कोशिश करें कि ये सब समस्याएं ना हो, जो भी आपका रूटीन है उसको सुधारें, खान पान में थोड़ा सा बदलाव करें, आयुर्वेद की तरफ अपने को फोकस करें, तो आप छोटी छोटी समस्याओं से बच सकते हैं और कॉन्स्टिपेशन की समस्या से रिलीफ हो सकता है। तो इस प्रकार खुद को स्वस्थ रखें, आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखें और एक स्वस्थ देश और समाज के निर्माण में अपनी छोटी लेकिन महत्वपूर्ण भूमिका को अदा करें। धन्यवाद।